नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद विपक्ष जहां दबी जुबान में सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने में जुटा था, तो वहीं अब लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की मौत के बाद अब विपक्ष खुलकर सरकार पर निशाना साध रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर एक बार सियासत फिर से तेज हो गई है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से प्रदेश की योगी सरकार पर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव तक करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायक नीरेंद्र कुमार मिश्रा की मौत के बाद प्रदेश में एक बार फिर से विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रशासन का जहां कहना है कि पूर्व विधायक की मौत पिटाई से नहीं बल्कि जमीन कब्जेदारी के दौरान गिरने से हुई, तो वहीं परिवार वाले विधायक की मौत को हत्या बता रहे हैं। पूर्व विधायक के परिजनों ने पलिया सर्किल के सीओ कुलदीप कुकरेती के खिलाफ षड्यंत्र कर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। साथ ही पूर्व विधायक की पत्नी ने सीओ कुकरेती पर पिटाई और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। मेरी कुछ जमीन अड्डे पे है, वो जो डिस्प्यूटेड है, केस चल रहा है, उस जमीन को जोतने के लिए पलिया के सेठ राधे किशन, उनके दोनों बेटे और पलिया का हिंदुस्तान का जो पेपर चलाता है धीरज, एक गुड्डू, 30-40-50 लोग अतरिया के लोग थे। इन लोगों ने जबरदस्ती जमीन जोती। मैं वहां जब हम लोग रोकने गए, मेरे पिता भी पीछे से पहुंचे, मेरे पिता को मारा, मुझे मारा, ऑन द स्पॉट मेरे पिता को मार दिया। पड़वा थाना संपूर्ण नगर में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े, उनको CHC पलिया ले जाया गया। वहां से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिर चोट ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, पुलिस का कहना है कि मामूली कहासुनी के दौरान विधायक जी गिर पड़े, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। तो वहीं पूर्व विधायक के बेटे का कहना है कि दबंगों ने पीट पीट कर उनके पिता की हत्या कर दी और उन्हें भी अधमरा कर वहां छोड़ दिया। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के निघासन विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे नीरेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना लखीमपुर खीरी जिले में पड़ुआ गांव के पास सड़क किनारे विवादित भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने से रोकने के लिए गए थे, लेकिन वहां मामला बढ़ गया और हाथापाई हो गई, जिसमें बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। दबंगों ने उनके बेटे को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया। विधायक की हत्या से नाराज प्रशंसकों ने पूर्व विधायक का शव रखकर प्रदर्शन शुरू किया और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्व विधायक की मौत पर विपक्ष ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि यूपी का जंगल राज भयावह हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, पुलिस की उपस्थिति में आज दिन दहाड़े लखीमपुर में 3 बार के विधायक रहे श्री नीरेंद्र मुन्ना जी की निर्मम हत्या व उनके पुत्र पर हुए कातिलाना हमले से प्रदेश हिल गया है, श्रद्धांजलि। भाजपा राज में प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के विषय पर चिंतित ही नहीं, भयभीत भी है, निंदनीय। अखिलेश के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा का कहना है कि योगी सरकार सो रही है, अब तो सूबे में आम आदमी नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, जिसके चलते 3 बार के विधायक नीरेंद्र मिश्रा की सरेआम हत्या कर दी गई और पुलिस उसे सामान्य मौत बता रही है, जबकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक सामने नहीं आई है। पीड़ित परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़का जा रहा है, इससे शर्म की बात और क्या होगी। अभिषेक मिश्रा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सूबे में एक विशेष जाति के आम लोगों की नहीं बल्कि अब तो पूर्व विधायक की जिस तरह से हत्याएं हो रही है, उससे साफ जाहिर है कि यह सरकार पूरी तरह से ब्राह्मण समुदाय की जानमाल की सुरक्षा करने में फेल है। सपा के बाद कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा।
विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कानून का राज खत्म सा हो गया है और अपराध प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, पूरी तरह से अपराध प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में 3 बार के पूर्व विधायक श्री निवेन मिश्रा जी की दिन दहाड़े सरेआम निर्मम हत्या की गई, उससे आज हम सब बहुत दुखी हैं। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री जी से कि आखिर कब और कब तक हत्याएं होती रहेंगी उत्तर प्रदेश में, कब तक लूट अपहरण बलात्कार जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा, कब तक अपराधी बेलगाम होकर अपराध करते रहेंगे। अरे अब तो उत्तर प्रदेश के लोग पूछने लगे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना पाप है। सपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूर्व विधायक की हत्या के बाद लखीमपुर पहुंचकर परिजनों से मिले और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक की सरेआम हत्या कर दी गई और सीओ की दुस्साहस देखिए कि घर में घुसकर विधायक की पत्नी को पीटा और अपराधियों को छुड़ा कर ले गए। यूपी में कानून के राज की बजाय गुंडों और अपराधियों का राज कायम है। एक बार फिर कहूंगा कि सूबे में एक जाति विशेष के लोगों की हत्या हो रही है और उसी कड़ी में नरेंद्र कुमार मिश्रा की भी सरेआम हत्या की गई है। विपक्ष के हमलावर होने के बाद बीजेपी की ओर से भी घटना को लेकर बयान सामने आया। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने घटना पर दुख जताते हुए इसे ब्राह्मण समुदाय से जोड़कर ना देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक की मौत बहुत दुखद है, ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग इस मामले में जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसे ब्राह्मण समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक दुखद घटना है। आज जो लोग सरकार को ब्राह्मण विरोधी बता रहे हैं, उन्होंने सत्ता में रहते हुए किस तरह का सलूक किया है वो जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले सपा और बसपा ने परशुराम के सहारे सूबे में ब्राह्मण कार्ड की एंट्री करवाई, जिसके बाद से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाने लगी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद विपक्ष सूबे की योगी सरकार को दबी जुबानी से ब्राह्मण विरोधी बताने में जुटा था। ऐसे में अब पूर्व विधायक की हत्या के बाद वो इस मामले को लेकर खुलकर सरकार को घेरने की कवायद में है। ऐसे में योगी सरकार इससे कैसे पार पाती है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही इस मामले में आरोपियों को सजा कब मिलती है ये भी अभी देखना बाकी है, क्योंकि हत्या तो हुई है और कानून के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई है। रिपोर्ट जनसत्य न्यूज। जी हाँ, सूबे में ब्राह्मणों को लेकर सियासत तेज हो गई है और विपक्ष पूर्व विधायक की मौत के बाद सरकार को घेरने की कवायद में है। ऐसे में इस मामले के आरोपियों को सजा कब मिलेगी ये देखने वाली बात है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।